हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राम राम। गुड्डू को उठाया गया अभी तो, और स्कूल भेजूंगी। इसके टिफिन बना दिए हैं और आज दिखाऊंगी मैं आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन। ले बेटो, अब इसको मिल्क पिलाऊंगी और उसके बाद नहलाऊंगी। फिर इतने में इसकी गाड़ी आ जाएगी और आज उमेश भी ऑफिस जाएगी तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। चीकू आँख खोल बेटा, देखना इसे आंखें नहीं खोल रखी है, बिना आंखें खोले मोबाइल चला रही है। कितना टाइम लेते हो बेटा उठने में? ऐसे कितना टाइम लेते हो? चीकू बेटा, सोने से पहले उठ के खड़ी हो बेटा, टाइम देखना। ओहो, लेट हो चुके बेटा। उठे 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 गुड्डू, ले बेटा। ओए जवान, ले क्यों बेटा? चिक्की छोड़ कर जी सकती हूँ। ऐसे मतलब नींद आती है वापस, है ना? पर सोनो लड्डू बेटो, आप मेरे को क्यों उठाते हो सुबह सुबह? लड्डू यूनिफॉर्म रखी है, लड्डू को नहलाने ले जा रहे हैं। जाओ लड्डू, सात सत्रह आज देख लिया होगा आपने कि गुड्डू को मैं कैसे उठाती हूँ सुबह सुबह, कैसे नहलाती हूँ। जी की बेटू, मैंने क्या बोला? जल्दी रेडी हो जाए फिर खेलेंगे।
आ गई। अब क्यों कर रहे हो? अब और क्या चाहिए? नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे। मेरा रबर बैंड। हेयर बैंड नहीं बना सकते, रबर बैंड लगाऊंगी बेटा। क्यों? वो भी बनाऊंगी। जल्दी आ। प्लीज हेयर बैंड लगा दो। बैठ बिट्टू। नो। रोज़ रोज़ नहीं लगाती बेटा, फिर हेयर खराब हो जाएंगे। कल भी लगाया था, परसों भी लगाया था, दो दिनों के हेयर बैंड लगा रहे हो ना? आज पूरी बनाओ। आओ, तो सिर्फ क्लिप लगाओ। क्लिप है ना, सिंपल लेके आऊंगी आज, ठीक है? स्कूल पर। हाँ। मंडे को लगा के भेजूंगी। मंडे को क्यों? कल सैटरडे है। तो फिर ना आप ना मेरे को ना भेजना ही मत है काम करना, सिर्फ छोटे स्कूल भेजना, ठीक है? अरे यार रबर बैंड तो है, रुको एक मिनट, हेयर तो लेना मेरे को। ड्राइवर भैया को बोलना कि घर पे छोड़ना आज। हाँ आज तो डर नहीं छोड़ सकता, कल पूरे दिन घर पे रखूंगी, कल मैं उस रूम पे रखूंगी मेरे वाले पे, ठीक है? अपन उस पे चले। इसमें बोलो बेटा, ऐसे नहीं करते। बेटो क्या फेंकी ना दो? एक ही। कौन सी वाली? कौन सी वाली है? मैथ वाली। और इंग्लिश और हिंदी की कौन सी है? हैं? इंग्लिश और हिंदी की कौन बोले? नहीं, मेरे को नहीं कहना। कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं करती। इसको सॉक्स पहनने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये ढंग से नहीं पहना, ये नहीं किया। अब गाड़ी आ जाएगी, तब तक इसके सॉक्स नहीं पहने जाएंगे। उठी थी 6:30 बजे और इसके दो टिफिन जाते हैं। इसमें तो डाला है पराठा और सब्जी, और इसमें डाले इसके लिए फ्रूट्स, इसमें ग्रेप्स, इसके बहुत पसंद और वो आलू के पराठे कल आलू के पराठे भेजूंगी आज छोटी स्कूल। ओके, इसको बहुत पसंद है। तो आज तो कल तुझे बता बोल रहे थे ना, झूठ बोला तो झूठ नहीं बोला था बेटा। कल मेरा मूड था आलू के पराठे बनाने का, लेकिन फिर मैं लेट हो गई थी, काम इतना हो गया था बेटा, है ना? आज बना। जाओ गाड़ी आ गई अभी। नहीं आई गाड़ी तो, इसको टावर कुछ कॉल करवा। देखो बेटा गाड़ी आ गई क्या?
अब हम करेंगे गाड़ी का इंतजाम। आगे क्या? हाँ। बस बस झूठ नहीं बोल रहे। चलो गाड़ी आ गई। चलो चलो चलो, गुड्डू की गाड़ी आ चुकी है। गेट खोल बेटा। चलो बंद कर, हम बंद नहीं करूंगी, दिखाना है ना गुड्डू को कैसे चाहिए इसको। रुक आ गया बेटा थोड़े से। बाय बाय, आगे रखूं? चलो बाय बाय। देखो भैया, आज प्रमजी जी ने जल्दी उठा दिया और हमें सभी सो रही है। आज इन्हें भी ऑफिस तो जाना है पर थोड़ी लेट उठेगी, और अब मैं लग जाऊँ काम पर। अभी डाल रखी रखती थी उसको छोटी स्कूल का बैग भी। स्कूल में डे केयर भाई, उसके कपड़े, स्लीपर, टिफिन, फ्रूट्स, बुक्स सब डालनी पड़ती। तो फिर मुझे जी निकाल के आऊँगा बेड बारे, इन निकाल दो। अभी गोना रहा है कपड़ा, उसका पेंट भी दो, अभी धोना रही है। इन्हें भी धोनी है, दोनों वाला कपड़ा मैं उठ डाल दूँगी। अब मेरे को लग गई भूख, तो मैं कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद करूँगी कोई काम। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन ये करना है। ये देखिए गुड्डू के लिए ग्रेप्स डाले थे जो फ्रीज से निकाल के लिए थे, आधी यहीं रख दिए। और अब पहले मैं देख रही हूँ क्या रखा है। रोटी रखी है, दूध है, दूध और रोटी का नाश्ता करूँगी मैं तो, भूख लग रही है मेरे को तो। चले मिलते हैं आपसे बाद में। झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, कपड़े वॉश करूँगी, फिर आज मैं जाऊँगी मेरे वाले रूम पे। आज फ्राइडे हो गई और गुड्डू अगर ये वीडियो देखे तो उसके लिए सॉरी बेटा। फ्राइडे गुड्डू को ना फास्ट फूड भेजा था, मैंने नहीं भेजा, और अब उसको डे केयर के लिए बनाया उसके लिए आलू का पराठा। तो स्पेशल बोल रही थी मेरे को आज आलू का पराठा खाना है। कल भी बोला था उसने कि मेरे को आलू का पराठा खाना है, पर कल नहीं बना पाई थी मैं, काम ज़्यादा वगैरह। हाँ
क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना क्या बोल रहे हैं? और उमेश का भी टिफिन बन गया, आलू एक थोड़ा सा ज़्यादा बोल हो गया था, तो ये पराठा बना दूँ कब जैसे के लिए, खाओगे? तो ये बनेगा इनके लिए, इनके लिए बनेगा आलू और प्याज का, और गुड्डू को सिर्फ आलू खाना होता है तो आलू का बनाया। बर्तन साफ भी कर दिए मैंने, उमेश के लिए भी कुछ बनाना है ब्रेकफास्ट में भी, और उसका टिफिन तो बन गया है। तो गाइज आपने देखा आज मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहा, और आज उमेश ले गई थी ऑफिस, वो टाइम तो मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी टिफ़िन वगैरह बनाने में। और अब मैं आई हूँ मेरे वाले रूम पे, तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है जो कि अभी ड्राई नहीं हुआ है, ये देखिए बहुत ही गीला रखा है, और नहा ली हूँ। कपड़े वॉश करने के लिए आगे मैंने झाड़ू पोछा किया है, झड़काया, क्योंकि रूम कम से कम 2.5 महीने से आज देखा है मैंने आके, तो क्या है कि लड़के तो लड़कों के हिसाब से ही रहते हैं भाई। आज मैंने झड़काया कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है, कल सुबह लगूंगी क्योंकि कल मेरे को उमेश के पास नहीं जाना है, गुड्डू की छुट्टी है, तो गुड्डू को मैं रख लूँगी, उमेश थोड़ा बहुत अपना खुद तो कर ही लेगी। तो फिर नेक्स्ट डे को संडे है, संडे को फर्नीचर आने वाला है तो फर्नीचर भी लगवाना है, और क्या लिया है फर्नीचर में, क्या मैंने लिया है, क्या उमेश ने लिया है, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो वॉश करने के लिए मैंने निकाल दिए हैं। बेडशीट चेंज करिए, ये वाली लगा दी है, ये वाली बेडशीट मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई, ये वाली बहुत अच्छी लगती है। और बेडशीट चेंज करी, झाड़ू पोछा किया, थोड़ा बहुत जाड़े वगैरह भी लग गए थे क्योंकि 2.5 महीने में रूम की हालत ख़राब हो जाती है, तो अब नहा के अब रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। तो बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरा फर्नीचर का ही मिलेगा कि मैंने क्या फर्नीचर में लिया, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास था नहीं, फ्रिज था, फ्रिज है मेरे पास, कंप्यूटर है उमेश के पास, फ्रिज है, एलईडी है, तो मैंने एलईडी तो नहीं लिया, एलईडी थोड़े दिन पहले ही लिया उमेश ने, पहले कंप्यूटर था उनके पास, लैपटॉप भी है, और मैं तो कंप्यूटर से काम चला रही हूँ भाई, किराए के मकान में, वो तो गुड्डू के लिए लेनी पड़ी थी एलईडी तो। और अब क्या फर्नीचर लिया, फर्नीचर हमने काफ़ी लिया है, दोनों बहनों ने एक साथ लिया है, तो उसने मेरे से ज़्यादा लिया है कि कम लिया है, किसने ज़्यादा लिया, किसने कम लिया है या बराबर लिया है, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करने में कंजूसी मत करो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।